अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फराह समन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के हवाले से, आई थिंक जिसकी आजकल के डेज़ में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रही होगी, बिकॉज वैलेंटाइंस डे इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। हम बात करने वाले हैं प्यार के हवाले से। प्यार एक ऐसा इमोशन है जो एक्चुअली हर किसी को इसकी ज़रूरत होती है। प्यार इज़ समथिंग जिसका हम कह नहीं रहे होते, बट वी डीप इनसाइड वांट कि हमें कोई प्यार करने वाला ज़रूर हो। प्यार एक ऐसा इमोशन है कि वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग आदमी को इतना कमज़ोर बना सकता है कि वो ख़ुद से अपने हाथ से खाना भी ना खा सके, या फिर कहते हैं कि प्यार इतना पावरफुल है कि वो किसी कमज़ोर इंसान को इतना स्ट्रॉन्ग बना दे कि वो ख़ुद अकेले पहाड़ तोड़ सकता है। प्यार इज़ समथिंग जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हम आपको ऐसे कुछ टिप्स देंगे जिससे आप अपने रिलेशनशिप को, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं प्यार के ज़रिए। सबसे पहली टिप है वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, कुछ ऐसे अल्फाज जो आपके पार्टनर को खुश करें, लाइक आई लव यू, या फिर आप अगर किसी को अप्रिशिएट करें, यानी अगर आप उन्हें ये बताएं कि वो आज कितने खूबसूरत लग रहे हैं, या फिर ये कि उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स यू कितना अच्छा है, इस तरह के वर्ड्स और इस तरह की बातें अगर आप उन्हें कहें तो डेफिनेटली आपके पार्टनर का रिलेशनशिप आपके साथ स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट स्टेप इज़ क्वालिटी टाइम। अगर आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम गुजारें तो डेफिनेटली दैट विल मेक देम फील लव्ड। अब क्वालिटी टाइम का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और साथ साथ उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, या फिर क्वालिटी टाइम का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने टीवी लगाया हुआ है और तमाम तुम्हें टेंशन आपकी जो है वो टीवी में है और आप सिर्फ उनकी बात पे सर हिला रहे हैं। क्वालिटी टाइम इज़ बेसिकली दी अटेंशन योर पार्टनर नीड्स, यानी कि आपकी जो तमाम तर फोकस है उनकी बातों पर हो। तो सेल फ़ोन और टीवी को साइड पर रख के अगर आप सारी जो अटेंशन है अपने पार्टनर को दें तो दिस इज़ एक्चुअली समथिंग विच विल मेक योर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। नेक्स्ट इज गिविंग गिफ्ट्स। गिफ्ट्स अब किसको पसंद नहीं होते, हर कोई चाहता है कि उन्हें गिफ्ट्स दिए जाएं। हरगिज़ से मतलब नहीं है गिफ्ट्स का कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वो स्पेंड करने पड़ेंगे। गिफ्ट कोई छोटा सा चॉकलेट बॉक्स भी हो सकता है, कोई बुके भी हो सकता है फ्लावर्स का, या फिर आप कोई छोटा सा कार्ड दे सकते हैं जिसमें आपने खूबसूरत से वर्ड्स लिखे हों टू मेक द अदर पर्सन फील लव्ड। एंड वन मोर थिंग, गिफ्ट जो है उसके लिए कोई ओकेजन नहीं होता, आप कभी भी ऑन एंड ऑफ अगले बंदे को सरप्राइज करने के लिए गिफ्ट्स दे सकते हैं। दिस विल एक्चुअली मेक योर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट इज एक्ट्स ऑफ सर्विस, यानी कि आपको खाली बातों में ही शेयर नहीं होना चाहिए, आपको अपने एक्शन से प्रूव करना चाहिए दैट यू बेसिकली लव द अदर पर्सन। इसमें शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, आपका केयरिंग एटीट्यूड भी हो सकता है। ये तमाम तर बातें जो हैं वो आपके पार्टनर को अच्छा फील कराएंगे और डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप इससे स्ट्रॉन्ग होगा। लास्ट इज़ अ स्वीट हग। हग इज़ समथिंग जिससे आपके पार्टनर को फील होता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, तो आप ऑन एंड ऑफ ऐसा कर सकते हैं कि एक स्वीट सी कडल उन्हें करते रहें ताकि आपका प्यार जो है उन्हें काफ़ी एक्सप्रेसिव लगे। ना सिर्फ आपके पार्टनर बल्कि फ्रेंड्स को भी आपने नोटिस किया होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनली खुश होते हैं या फिर ये कि कुछ बुरा आपके साथ हो जाता है तो आप अनइंटेंशनली अपने फ्रेंड्स को या फैमिली मेम्बर में से किसी को हग कर लेते हैं। So basically, hug is something that will make your partner and the other person feel loved. और इससे पता चलेगा कि आपका प्यार कितना एक्सप्रेसिव है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आप हमारी वीडियो देखना चाहेंगे। एंड डेफिनेटली आप ये भी बता सकते हैं अगर कोई ऐसी पॉइंट या टिप हम मिस कर गए हों जिसके ज़रिए हम रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, तो वो भी आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।